अपील करूंगा, ये जो डाकू हैं, ये डाकुओं को तबाह करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए जो हमारे इंसानों को मार रहा है। हमारा सनातन धर्म ये बिल्कुल इस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बस एक मिनट। नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, तो वेलकम इन यू व्लॉग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और दुआ करता हूँ कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप को पता होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीमयार खान में जो कच्चे वाला इलाका है, ठीक है, वहाँ पर हमारे कुछ जो हिंदू कम्युनिटी के थे पुलिस वाले, वो भी शहीद हुए हैं। हमारे मुस्लिम भाई थे, वो भी शहीद हुए हैं, ठीक है, डाकुओं ने जो उन पर हमला किया था। तो हमें इस चीज़ का सुन के बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दिली दुख हुआ है, ठीक है। तो जो है हम हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, और उनकी आत्मा को शांति के लिए जो है स्पेशली तौर पे मंदिर में जो है दुआ करवाई जा रही है, ठीक है, उनकी पूजा पाठ करवाई जा रही है, ठीक है। तो आए हम आपको उनसे मिलवाते हैं और वो किस तरीके से पूजा पाठ करें आपको दिखाते हैं। राम राम जी, जय श्री राम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? भगवान की दुआ, ईश्वर की दुआ, हम आपकी दुआ। चलें जी, हमारी दुआएं तो हमेशा आप लोगों के साथ हैं। तो आप आज ये मंदिर पे किस तरीके से ये झंडे लेकर आए हुए हैं पाकिस्तान के? ये जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी, जी आपने देखा होगा ये जो प्रोग्राम है आज का एक अनोखा प्रोग्राम है जी, उसमें जी जो हमारे सनातन धर्म के जो मेघवाल भाई थे, जी जी, एक वीरम राम और एक दो भाई और भी हैं, जी जी, नाम थोड़ा सा मुझे कम आते हैं जी जी। तो वो अब जो ये जो सुने होंगे डाकू, डाकुओं ने उसने शहीद किए हैं, उसमें 17 बच्चे बंदे जो है हमारे पुलिस वाले पाकिस्तानी वो मर चुके हैं, तो ये शहीद हो चुके हैं। उसके लिए हम जितने भी कोई मुस्लिम भाई हैं हमारे और जो हमारे सनातन धर्म के भील और जितने मेघवाल भाई और वीरम राम और अजय कुमार उसका नाम एक का और वो दूसरे भाई का भी नाम मुझे नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम अब ये मंदिर पे प्रार्थना कर रहे हैं। जो हमारे भाई, हमारे ये जो सिपाही हमारे पाकिस्तान के शहीद हुए हैं, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर उसको शांति दे, उसके माँ बाप, उसके भाई, उसकी जो बहने, उसके भाइयों के सब के लिए हम एक प्रार्थना और मंदिर से दुआ मांग रहे हैं। ईश्वर को उसको स्वर्गवासी रखे, और कोई मुस्लिम भाई हैं, कोई हमारे हिंदू हैं, सबके लिए दुआ मांग रहे हैं। ऐसे भाई जो हमारे पाकिस्तान में अपनी कुर्बानी और प्यार से और शहीद हुए हैं, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त बात आपने कही है जी, ठीक है। तो हमारे पाकिस्तान के थोड़े हालात भी खराब हो गए, ठीक है, क्योंकि जो कच्चे के डाकू हैं वो कभी कैसे। तो आप हुकूमत से कुछ उस बारे में अपील करेंगे कि आए दिन ऐसे कुछ होता है? तो फिर तो मैं एक बात जरूरी हाथ जोड़कर कहूंगा, ये देखो हमें अभी इस टाइम मंदिर के आगे खड़ा हूँ, अभी जो मेरी जान है वो रो रही है, रो इसीलिए रही है, हमारे जवान बच्चे और हमारे भाई जो पुलिस वाले थे वो अभी उसके अभी शादी हुई थी, जो हमारे हिंदू बिरादरी थे, जो वीरम राम थे और दूसरे भाई थे, उनों की शादी भी अभी हुई थी। तो जब उसके बच्चे, उसके भाई अभी रो रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत दर्द हो रहा है। मैं एक बात जरूरी कहूंगा, हमारे हुकूमत पाकिस्तान को, वजीर आजम को, वजीर आला को और हमारे जितने भी सुनने वाले वजीर आजम है उसको हाथ जोड़कर मैं विनती करूंगा और मैं जोर से कहूंगा, मेहरबानी करके ये जो डाकू कच्चे के बने हुए हैं, इसको ऐसा करें, ये चुन चुन के मारे जो हमारे सिपाहियों को, इतनों को जो मार दिया है, इसके लिए मैं जरूरी कहूंगा, ये हाथ बांधूंगा पहले, जब हाथ से नहीं करेंगे तो हमें खुद मरना पड़ेगा, तो हम आगे जाएंगे, डाकुओं से लड़ाई करेंगे, डाकुओं को जैसे ही मरेंगे मारेंगे और घट नहीं कम नहीं करेंगे, ये हमारा दिल कहेगा, ये हमारा भील बिरादरी कहेंगे, ये हमारा साथ होगा, ये मंदिर का सेवादारी कह रहा है, ये हमारा वचन होगा। ये जो डाकू है, ऐसे जो बंदो हमारे भाइयों को मार रहे हैं, हमारी पुलिस को मार रहे हैं, हमारे भाइयों को मार रहे हैं, हमारे भाइयों को शहीद कर रहे हैं, उसके लिए हम जरूरी ये बात कहेंगे, मेहरबानी पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी पुलिस जिंदाबाद, हमारी फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे मुल्क के लिए दुआ मांगेंगे, जो हमारी पुलिस है, पाक फौज है, उसके साथ है और हम पाकिस्तानी हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से ही है। तो मुनीर नाथ जी, आप मुझे ये बताएंगे अपना पाकिस्तान का कुछ तराना या नगमा हमें सुनाएंगे कुछ पाकिस्तान का?
बात तो नगमा भी आता है इसी टाइम जो मेरा जैसे देखो ना दिल से जो हमारा जैसे भर चुका है हमारे जैसे बच्चे भाई और जवान थे जैसे आप देखा होगा तो ये जो शहीद हुए मेरा दिल भर गया है अभी मैं कुछ कह नहीं सकता मैं ये जरूरी कहूंगा सबको अपील करूंगा ये जो डाकू हैं ये डाकुओं को तबाह करना चाहिए इसको खत्म करना चाहिए जो हमारे इंसानों को मार रहा है हमारा सनातन धर्म ये होता है किसी को गाल मंदा देना भी नहीं अच्छा करते ये अभी उसको मार रहे हैं गोलियां मार रहे हैं फायर कर रहे हैं ये काम जो हमारे पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए जो हमारा पाकिस्तान है तो हमारा जो वजीर आजम है वजीर आला है उसको मेरी अपील ये होगी ये जो जितने भी कच्चे हैं वो कच्चे को जो ऐसा ऐसा करे उसको तबाह करे जो ये डाकू सबको खत्म कर दे ये हमारा जैसा कहना है आपको जरूरी करना है मेहरबानी करके जी बिल्कुल मेरा ये कहना जरूरी माने जी बिल्कुल इस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद।